उन्होंने मुगल साम्राज्य के जो अत्याचारी शासक हैं उनके चंगुल से कई लोगों को आजाद करवाया। साथ ही सराय घाट में जो रोल जो ये लड़ाई लड़ी गई वीरता से परिपूर्ण अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया गया लचित बोरफुकन द्वारा। उन्होंने ये सिखाया, ये दिखाया, ये दृष्टव्य किया कि वीरता का कार्य न केवल मातृभूमि के प्रति अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है बल्कि उनमें पूरे असम क्षेत्र को एकजुट करने की शक्ति थी। जिस प्रतिबद्धता और जिस दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, उसका उदाहरण हम बहुत पहले ही जो लचित बोरफुकन हैं उनके व्यक्तित्व में देखते हैं कि किस तरह से असम क्षेत्र को एकजुट करके उन्होंने मुगल शासकों को खदेड़ा और कैसे आवश्यकता पड़ने पर हर नागरिक जो भारत देश का वासी है भारतवासी है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जोरहाट असम की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने अभी तर्पण किया है आप देख सकते हैं और ये असम का दो दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। आज सुबह हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी पर सवारी कर देश से आह्वान किया कि आप यहाँ आए। उसके बाद हमने देखा कि ईटानगर में कई ऐसी योजनाएं थी जो राष्ट्र और लोकहित से जुड़ी जिन्हें समर्पित किया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से जब विकसित भारत की बात करते हैं उसमें विकसित पूर्वोत्तर होना बेहद जरूरी है। कैसे अष्ट लक्ष्मी का उन्होंने जिक्र किया साउथ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए जो अष्ट लक्ष्मी है कैसे ट्रेड को एक इंक्लूसिव अप्रोच दी गई जो संबोधन हमने सुना था प्रधानमंत्री का। और अब प्रधानमंत्री जोरहाट में इस वक्त मौजूद है जहां प्रधानमंत्री ने तर्पण किया है और आज अभी कुछ देर में जब लचित बोरफुकन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध जनरल जिन्होंने मुगल शासकों को धूल चटाई एक किस तरह से 2022 का जो साल था वो उनकी 400वीं जयंती को समर्पित किया गया ये एक कवायद है, ये एक कोशिश है कि वो गुमनाम नायक जिन्होंने भारत में कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए जो देश की आजादी से जुड़े थे जो लोगों को इकट्ठा करने से जुड़े थे खास तौर पर किस तरह से मुगल साम्राज्य को खदेड़ने का काम किया गया लचित बोरफुकन द्वारा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा से उनकी ये कोशिश रहती है कि कैसे राष्ट्र प्रथम का जो मंत्र है वो देने वाले तमाम उन लोगों को याद किया जाए जिनमें लचित बोरफुकन का नाम अग्रणी है और उनका जीवन कैसे भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च आगे रख यानी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही देश का सर्वांगीण विकास होता है और कैसे आत्मनिर्भरता के पथ पर हम अग्रसर होते हैं ये दर्शाता है। हमेशा से प्रधानमंत्री का मानना है कि इसी तरह के लोगों ने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है और ये वो पल जब लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि और शौर्य की प्रतिमूर्ति वो रहे अब उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री द्वारा।
तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम दो दिवसीय दौरा, जिसका दूसरा दिन प्रधानमंत्री ने अभी यहां पर तर्पण करने के साथ साथ लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया, और साथ ही कैसे लचित बोरफुकन ने ये दिखाया कि कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट करने से ही भारतीय जीवन की अमर रोशनी शाश्वत रहती है, इसका भी के जोरहाट पहुंचने के बाद जो ये विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बोरफुकन है उनकी प्रतिमा के अनावरण से पहले प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम एक बार आपको बताएं कि आखिरकार लचित बोरफुकन जो हैं वो इतिहास के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं? एक गुमनाम नायक के रूप में किस तरह से अब उन्हें पहचान दिलाने के लिए 2022 का जो साल था वो लचित बोरफुकन को समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि लचित बोरफुकन जो है उनका जीवन राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीने के लिए प्रेरणा देता है, और साथ ही लचित बोरफुकन का जीवन सिखाता है कि किस तरह से भाई भतीजावाद के और वंशवाद के दंश से बचकर देश को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह से मुगल साम्राज्य के खिलाफ ये अहोम साम्राज्य का जो नायक है लचित बोरफुकन वो किस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। लचित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और जिस तरह से लचित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी बहादुर अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट कर सकते हैं, कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम
जनरल शासक की अगर बात की लचित बोरफुकन में था, ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और कैसे उनका जीवन लचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए। और इसीलिए लचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे, उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खास तौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहां का जो समाज था उसे एकजुट करने की जो भूमिका निभाई, उसी के लिए उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। और आज ये वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। लचित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से लचित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी बहादुर अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट कर सकते हैं, कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम जनरल शासक की अगर बात की लचित बोरफुकन में था, ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और कैसे उनका जीवन लचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए। और इसीलिए लचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे, उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खास तौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहां का जो समाज था उसे एकजुट करने जो भूमिका निभाई, उसी के लिए
उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए और आज ही वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। लचित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से लचित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी बहादुर अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट कर सकते हैं। कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम जनरल शासक की अगर बात की लचित बोरफुकन में था ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है और कैसे उनका जीवन लचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए और इसीलिए लचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खास तौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहां का जो समाज था उसे एकजुट करने की जो भूमिका निभाई उसी के लिए उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए और आज ही वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। Oh.
দিস সাইড আপনার কোম্পানি থেকে ফোন নিয়েছিলাম এটা অন হচ্ছে না ভুল করে মিস্টেক এটা কোড বলা আপনি একটা কাজ করুন আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার পাঠান টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে রিফান্ড হয়ে যাবে এক্ষুনি পাঠাচ্ছি দিদি ভাই আপনি সঠিক ওয়েবসাইট থেকে ফোন নাম্বার বের করে কল করেছেন হাতে পেয়েছেন তাতেই কল করেছেন ইউপিআই বলে যে কোনো কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যান আর করুন নিজের টাকার খেয়াল নিজেই রাখুন এটা আমি রাখছি দিন ফোন রাখ নইলে চোখগুলো টেনে বের করে আপনি ওই ভিডিওটি শেয়ার করুন আর নিজের আশপাশের ভোলাদের বাঁচান तो प्रधानमंत्री ने पसे जनरल अजित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। अजित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि अजित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से अजित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी बहादुर अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट कर सकते हैं कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम जनरल शासक की अगर बात की लचित बोरफुकन में था ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है और कैसे उनका जीवन लचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए और इसीलिए लचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खास तौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहां का जो समाज था उसे एकजुट करने की जो भूमिका निभाई उसी के लिए उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए और आज ही वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। पूरा माहौल निखरा और संवरा हुआ ये संपूर्ण दृश्य कुछ ही देर में भव्यता के नए आकाश छूने लगेगा जब यहां समारोह प्रारंभ होगा और भव्य परेड निकाली जाएगी। हम भारत की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विरासत और भव्यता की एक शानदार तस्वीर के गवाह बनेंगे। इस बार समारोह की विषय वस्तु विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। इस बार के समारोह में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह जिसमें माननीय राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। समारोह में हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। Namaskar. From the cold climes but warm heart of Delhi, from these perfectly proportioned and gorgeously groomed vistas, and of course from every proud Indian to another fellow citizen, 75th Republic Day greetings. Today, as this mist-mingled morning dawns over Kartavya Path, let us come together from different parts of the country, from different areas, to celebrate as one, lest we forget that we belong to a land which has nourished the seed of civilization and that we inhabit a country where culture, creativity and camaraderie interweave to build nationhood. So today, as the tricolor umbrella of national sentiment brings us together, let each of us know and believe that we stand shoulder to shoulder as one, lest we forget. With a seating capacity of nearly 77,000, Kartavya Path today adorned with viewers from all parts of the country. गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व इसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ के दोनों ओर स्थित दर्शक दीर्घाओं में।
इस वर्ष की परेड बेहद खास है क्योंकि लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को आज की इस परेड को देखने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहां पहुंचे हैं अपने परंपरागत परिधानों में। आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, विकसित भारत है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत है। संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर देश की इस गौरवमयी परंपरा का निर्वहन आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मूर्त रूप ले रहा है, नारी शक्ति के उदय और प्रदर्शन के रूप में। Welcome to the grandest parade venue in the country on the most important day of a republic. In a few minutes, we will witness the grand spectacle of our country's military prowess, its scientific developments, glimpses of the rich cultural heritage, all on display. Each year, the parade showcases and celebrates our military might, our diversity in culture, language and traditions, musical and dance traditions, our soldiers, our veterans and our freedom fighters, many of whom are present here at this Kartavya Path. The theme of the Republic Day centers around India, mother of democracy, and Viksit Bharat, or developed India, a day of immense significance as we reaffirm the spirit of freedom. We underscore the sovereignty and self-governance bestowed on us through the Constitution. विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है भारत। यहां बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तमाम विशेषताओं के बीच यहां की अनूठी खासियत है यहां का गणतंत्र। भारतीय गणतंत्र सदियों पुरानी वो अमूल्य परंपरा है जिस पर हर किसी को गर्व है। वेदों से लेकर पौराणिक ग्रंथों में गणतंत्र का गौरवशाली उल्लेख है। बौद्ध काल की बात करें या फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, गणराज्यों के वैभव की चर्चा हर जगह है। करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक गणतांत्रिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद एक नया आयाम प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है। भारतीय गणतंत्र का मूल है हमारा संविधान। ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी पेश करता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो उसमें देशवासियों को सशक्त बनाते हुए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों में समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। वर्तमान समय में हर देशवासी सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ कर्तव्यों के प्रति